जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी देके मैं तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहां मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूं मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। ओम नागर, ओम ओम ओम। आपके डांस का मैंने बहुत एंजॉय किया ओम। जो फील, जो एक्सप्रेशन से आप खेल रहे थे, जो आप कोरियोग्राफी को प्रेजेंट कर रहे थे, वो बहुत अच्छा था। एंड अगर आपके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आपका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके एक्सप्रेशन से लेकर आपके स्टेज कवर तक, आपकी कोरियोग्राफी, आपका स्वैग बहुत अच्छा था। सो रिजल्ट के लिए वेट कीजिए थोड़ी देर, हम आपको अभी वापस मिला रहे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। 3, 2, 1 हर्ष, हर्ष फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी कोरियोग्राफी की बात करूँ तो बहुत ही क्लीन डांसर हो आप। हमारी नज़रें हटती नहीं आपके ऊपर से, आप इतना क्लीन कोरियोग्राफ करते हो, आप क्विक स्टेप्स चेंज करते हो, एंड कोरियोग्राफी भी आपको बहुत अच्छी थी, फैबुलस परफॉर्मेंस आपका था। अगर आगे बात करूँ तो हम ऐसे ही परफॉर्मेंस आपके साइड से और देखना चाहेंगे, तो थोड़ी देर रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, हम आपको वापस मिलेंगे। 2, 1 पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही, जिसको मिलती नहीं मंजिले। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छ
छोड़ गया तू कहाँ। राहुल सिंह, राहुल बहुत ही क्लासी परफॉर्मेंस था आपका, पूरा डांस, पूरा फ्लिप, पूरा रोटेशन आपने किया, बहुत ही क्लीन था। आपकी जो कोरियोग्राफी थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही शार्प, क्लीन। एंड अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होते हो तो इससे भी ज़्यादा और कुछ नया हमें दिखाना, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। My nigga, we are my nigga. You pussy ass nigga, man, fuck y'all niggas. Cause I'm that nigga, 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 nigga. I'm that nigga. I woke up in Chris Brown's body. So how this shit turn into Freaky Friday? Que a profissão das mina é. रूहान मुरानी, रूहान आपके परफॉर्मेंस की बात करूं तो पहले का परफॉर्मेंस जो था और आज का जो परफॉर्मेंस है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपका जो ऑडिशन का परफॉर्मेंस था वो मुझे बहुत पसंद आया था, उसके हिसाब से इस कोरियोग्राफी में, इस वाले परफॉर्मेंस में एनर्जी बहुत कम थी, कोरियोग्राफी भी बहुत डाउन थी, स्टेप कुछ देखने को नहीं मिले, जो नए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, कुछ वाव फैक्टर होने चाहिए वो दिखे नहीं। तो थोड़ी देर वेट कीजिए, देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है, ठीक है। 3, 2, 1 भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। कसाया पल को पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। राहुल एंड अंश, आप दोनों ने जो सोलो हमें दिखाए उसमें भी आप माहिर हो, और ये आपने जो ड्यूएट किया वो भी बहुत अच्छा था, उसमें कोरियोग्राफी भी बहुत यूनिक थी। आपने जो फ्लिप्स किए, जो स्टंट्स किए, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने लेग्स को स्प्लिट किए एंड फॉर्मेशंस जो चेंज किए वो बहुत ही अच्छा था, कुछ डिफरेंट था। हमें कुछ कोरियोग्राफी और ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, और आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने जो पहले देखा था उसमें ये रिपीट हुआ है, 3 या 4 सेट्स आई थिंक उसमें रिपीट हुआ है। तो आप कभी भी नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करते हो तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, कुछ नया ही होना चाहिए नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। सो थोड़ी देर रिजल्ट के लिए वेट कीजिए, हम आपको फिर से वापस रिजल्ट देंगे। 3, 2, 1 मोड़ दो, हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड बॉल।
रोहित गोकानी, रोहित आपने जो पहला परफॉर्मेंस देखा है उसके हिसाब से इसकी कोरियोग्राफी बहुत वीक थी, इसमें हमें जो चाहिए आपके नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए चाहिए, उसके हिसाब से आपकी कोरियोग्राफी नहीं थी, इसमें बहुत कम कोरियोग्राफी थी, एनर्जी भी बहुत डाउन थी, लेकिन ये परफॉर्मेंस में जो हमें चाहिए, वाव फैक्टर्स चाहिए, कुछ नया चाहिए और डिफरेंट स्टेप्स चाहिए, वो कुछ दिखा नहीं है। सो आई थिंक आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो इससे ज़्यादा अच्छी कोरियोग्राफी करके वापस आना, और अगर रिजेक्ट होते हो तो फिर से प्रैक्टिस करके नेक्स्ट सीजन में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? तो तब तक के लिए आप रिजल्ट के लिए वेट कीजिए क्या और You and I know I can't be where you want me to be, where you need me to be, whether I am there or not there. You and I know I can't be where you want me to go, where you need me to go, whether it is fair or not fair. Too much got me all stressed out, too much got me tripping. Do I pull us up or pull us down? I wish I could just listen to your heartbeat, sound me and you could figure it out. I've been cruel to your heartbeat, sound me and you could figure it out. I've been cruel. Parth Jotania, आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत हाई लेवल की है, एंड आपकी जो भी स्टेप्स थे, जो भी कोरियोग्राफी थी, बहुत क्लीन थी और क्विक स्टेप चेंज हो रहे थे, जो बहुत अच्छा है। स्टेज कवर, एक्सप्रेशन, कोरियोग्राफी बहुत अच्छा था। तो थोड़ी देर वेट कीजिए रिजल्ट के लिए, हम आपको वापस मिलेंगे, ठीक है? रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का तूफान, ये शब्द है बाजीराव पल्लार के। हर हर धड़क धड़क ढोलता से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लारानी, धड़क धड़क भड़क झली चटक मटक भटक झली, दुश्मन की देखो जो फट असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी जित हो जाए। एंजल क्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बात करूँ तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो सब इस कॉस्ट्यूम में। आपने जो एंजल ग्रुप का आपका खुद का कॉस्ट्यूम पहना है, बहुत अच्छे लग रहे हो। अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ तो सबकी एनर्जी की बहुत अच्छी थी, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी थी। हाँ, कहीं कहीं पर मिस हो रहा था, लेकिन ओवरऑल आपकी पूरी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी। इसमें से सिर्फ एक दो गर्ल्स की ही एनर्जी डाउन थी, लेकिन सबकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होते हो तो सबकी सेम नेक्स्ट राउंड में एनर्जी होनी चाहिए, कोरियोग्राफी इससे भी ज़्यादा टफ होनी चाहिए, डिफ़िकल्ट होनी चाहिए, कुछ नया फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? थोड़ी देर वेट कीजिए, हम आपको रिजल्ट के लिए आगे देंगे, ठीक है? और थ्री टू वन।
पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। सागर बारोट, सागर आपके परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें कोरियोग्राफी बहुत कम और बीबॉय स्टंट फ्लिक्स वो बहुत ज़्यादा थे। अगर हम डांस की बात करें तो मैं आपको डांस के मूव्स के उसके हिसाब से ही आपको नेक्स्ट राउंड पे भेजूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ स्टंट्स के हिसाब से आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट तो नहीं कर सकता। सो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको नेक्स्ट राउंड में आपको डांस ही ज़्यादा दिखाना होगा और फ्लिप्स बहुत कम। हाँ, आप फ्लिप्स यूज़ करते हो, लेकिन जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे कोरियोग्राफी उसकी ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ पे फ्लिप्स ऑब्वियसली यूज़ करो, लेकिन कोरियोग्राफी ज़्यादा डाल दो, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो नेक्स्ट राउंड में कोरियोग्राफी ज़्यादा डालें, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड रिजल्ट सिलेक्ट।